सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम 18 सितंबर 2016 का जो पेपर हुआ था सीटेट का, उसका जो है वो सॉल्यूशन करा रहे थे। इससे पहले हमने मैथ का जो पेडागॉजी सेक्शन है उसके 15 क्वेश्चन देखे थे। यदि आपने नहीं देखा, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है उसके जो प्रश्न आते हैं 30 प्रश्न, उनको हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन है 4, पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। दूसरा है, वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तीसरा है, वह रस्मि व्यवहार करता है, जैसे कि हाथ थपथपाना, डोलना आदि। और चौथा है, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो बात करें उत्तर की, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं। क्योंकि जो बालक है उसका जो दिमाग है वो इतना हाई लेवल पर पहुँच चुका है, वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है उसकी श्रेणी में आ रहा है। तो उसके साथ यदि चुनौतीपूर्ण गतिविधियां नहीं होंगी तो क्या होगा, वो अपने आप को कम प्रेरित अनुभव फील करेगा। यानी कि आपका यही ऑप्शन पहला कह रहा है, और वो ऊब जाएगा। उसको आप विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें जो है वो व्यस्त रखेंगे, तभी जो है वो प्रतिभावान जो शिक्षार्थी है वो बोर नहीं होगा। अगला प्रश्न 2 देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम जो है उसको बढ़ा सकती है, कैसे बढ़ा सकती है ये आपको बताना है। ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। तीसरा ऑप्शन है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, या अधिगम में छोटी छोटी जो उपलब्धियां हैं उनके लिए पुरस्कार देकर। तो प्रश्न आपका कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में जो प्रभावी अधिगम है कि किस प्रकार वो बेहतर तरीके से सीख सकें, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसको बढ़ाया जा सकता है कि विषय वस्तु जो है उसको अभ्यर्थी या विद्यार्थी हैं उनके जीवन के साथ संबंधित करके। और कहीं ना कहीं NCF में भी यही लेकर बात की गई है कि जो बाहरी जीवन है उससे जो है गणितीय जो संकल्पनाएं हैं उनको जोड़ा जाए, ताकि बच्चे जो हैं वो और बेहतर तरीके से सीख सकें। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 3। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला ऑप्शन है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा है, बच्चे समस्या समाधान करता है। तीसरा है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। और चौथा है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। अन्वेषक हम कहते हैं खोजकर्ता को। तो आपको बताना है कौन से सही हैं। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ ताकि आप सोच सकें। आपको बताना है कौन सा जो है वो कथन सही है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि B, C और D ये तीनों ही सही हैं। गलत कौन सा है उसकी बात कर लेते हैं कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय, यहाँ पर वर्ड दे दिया है, यही जो है आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को आप निष्क्रिय की श्रेणी में तो कभी रख ही नहीं सकते, तो यही आपका जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी तीनों जो है वो सही हो जाएंगे कि बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक भी हैं। तीनों ही आपके हो जाएंगे, ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? संप्रत्यात्मक विकास को लेकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन देते हैं। संप्रत्यय हम कह सकते हैं, कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। सबसे पहला है कि यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा है, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है, जब तक विद्यार्थियों में वांछित
संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो तब तक दंड का उपयोग करना। मैंने आपको कल ही बताया था कि दंड जहां भी लिखा हो वो ऑप्शन आप डायरेक्ट ही काट सकते हैं, यानी कि तीन तो आपका किसी भी हालत में नहीं होगा। चौथा है, पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि आप यूज करेंगे? तो कौन सा उत्तर सही होगा बात करें तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों के बहुत से उदाहरण आप देंगे और उन्हें तर्क शक्ति जो है उसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट जो है वो आपका तरीका होगा। और संप्रत्यय की बात करें तो ये कह सकते हैं एक प्रकार की मानसिक हमारी क्षमता या श्रेणी के अंतर्गत आती है, जिसमें घटनाएं हैं, अनुभूति हम किसी चीज़ को कह सकते हैं, या विचार जो है उनके अंतर्गत हम सारी चीज़ों को जो है वो रखते हैं, जिसमें आप विकास को प्रोत्साहन देने के लिए जो बालक है, जो छात्र है, उसकी तर्क शक्ति के उपयोग पर जो है वो बल देंगे। अगला प्रश्न 5 है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। 4 ऑप्शन है, किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रश्न को समझिए जरूर, क्योंकि प्रश्न आप समझ लेंगे तो दोबारा प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। पहला ऑप्शन है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी हैं और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, ये वातावरण ज्यादा अच्छा है, या जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है। यहां पर ही वर्ड ये दर्शा रहा है कि केवल इन्हीं पर होता है, बाकी किसी से कोई लेने देना नहीं है, तो आपका ऑप्शन आपको इस प्रकार काटना होता है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, जहां शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। मैंने आपसे क्या कहा, छात्रों को दंड दिया जा रहा है, आपका ऑप्शन कट गया। छात्रों विद्यार्थियों को निष्क्रिय की बात की जा रही है, ये भी आपका ऑप्शन कट गया। पहले वाले में एकाधिकारवादी की बात की जा रही है कि शिक्षा का अकेले का स्वयं का एकाधिकार हो जाएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। जब 3 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए तो चौथा ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो चौथा ऑप्शन कह रहा है, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संवेग इमोशनल डेवलपमेंट को लेकर बात की जा रही है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं, बच्चे को प्रायोरिटी दी जा रही है, तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न समझ में आ रहे हो, चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको ऐसे ही सीटेट के और ज़्यादा से ज़्यादा सेट जो है वो प्रैक्टिस करा सकें। हालांकि ये प्रीवियस ईयर के सेट हैं, परंतु इनको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। प्रश्न है आपका 6, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है, एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। आपको बताना है इन तीनों में कौन कौन से सही हैं। नीचे ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो प्रश्न को समझिए उसके बाद जो है वो उत्तर दीजिए। बात करते हैं उत्तर की, सही उत्तर होगा यहां पर उत्तर जो है वो ए बी और सी तीनों ही दे रखा है, परंतु मेरे अनुसार यहां पर ऑप्शन बी और सी जो है वो होना चाहिए। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि कोई बच्चा जो है वो पहले से नहीं सीख के आता है, आसपास के वातावरण के आधार पर उसका जो मस्तिष्क है उसका विकास होता है और उसकी जो स्मृति होती है कह सकते हैं उसमें धीरे धीरे विकास होता है। तो बी और सी जो है आपका सही होना चाहिए कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। प्रत्यय विकसित होने का तात्पर्य ये आप कह सकते हैं कि बच्चे को पता है कि वो जो है एक प्रकार का पक्षी है, उसने कौवे को देखकर तुरंत ये कहा कि वो एक पक्षी है, तो इससे ये पता चल जाता है कि पक्षी का जो है वो प्रत्यय विकसित हो चुका है और उसके साथ साथ
जो उसका अनुभव है, उसकी जो स्मृति जो है, उसका विकास हुआ है, उसके एक आधार पर आप कह सकते हैं कि बच्चा अपने अनुभव को जो है वो भाषा द्वारा भी जो है वो व्यक्त कर सकता है। तो वही लिखा है, कुछ उपकरणों का भी विकास कर लिया है। तो मेरे अनुसार बी और सी जो है वो सही होना चाहिए। बाकी आपके अनुसार क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 7 की तरफ। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, उन्हें ऐसा क्या कहे कि वो अंदर से जो है वो मोटिवेट हो सकें। प्रश्न हमने समझा, अब पढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर लिया। इस टाइप से आप किसी बच्चे को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं वो कुंठित हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट गया। दूसरा है, काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। अब ये चीज आप सोच सकते हैं कि बच्चे में कहीं ना कहीं किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित तो करता है, परंतु बार बार यदि आप टॉफी की आदत डला देंगे बच्चे को तो फिर वो बिना टॉफी के कार्य ही नहीं करेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। तीसरा चौथा देखते हैं कि इसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, आंतरिक नहीं यहाँ पर आंतरिक होगा, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। यही जो है आपका सही हो जाएगा। उत्तर तो हमारा 3 ही हो गया, परंतु चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि चलो इसे इसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो ये भी आपका गलत ही होगा। कंपैरिजन आप दर्शा रहे हैं, परंतु इस टाइप से आप नहीं दर्शा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 8 की तरफ। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। इंडिविजुअल आपको किसी प्रकार को, किसी बच्चे को किसी प्रकार से जो है वो कह सकते हैं उत्प्रेरित करना है, तो आप किस प्रकार उसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, प्रतियोगात्मक जो परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा होती है उसके माध्यम से। दूसरा ऑप्शन है, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। तीसरा ऑप्शन है, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे कि टॉफी। चौथा ऑप्शन है, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो टॉफी वाला मैंने अभी आपको बता दिया था, हर जगह अप्लाई नहीं होता। चिंता डर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, नहीं हो सकता। अब दो ही ऑप्शन आपके बचते हैं, इन दोनों में से कौन सा सही होगा, तो बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। बालक जो है उसके निर्धारित जो व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं उसको पूरा करने और कह सकते हैं उनमें निपुणता लाने के लिए जो है जो शिक्षिका होती है उसको विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। अगला है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। 4 ऑप्शन है, रट कर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छा बने। दूसरा है, दंडात्मक उपायों का उपयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। दंडात्मक आया, ऑप्शन 2 काट दीजिए। तीसरा है कि ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। और चौथा है कि सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अब देखिए, ऑप्शन में आप कुछ टर्म्स होते हैं जिनके आधार पर ऑप्शन काट सकते हैं। जैसे कि पहले वाले में रटकर की बात की जा रही है, कभी भी कोई शिक्षक वो सफल नहीं होगा जो कि रटंती विद्या पर बल देता हो, तो पहला ऑप्शन भी आप ऐसे ही काट सकते हैं। तीसरा और चौथे ऑप्शन में यदि आप कीवर्ड देखें तो ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें, केवल अंकों पर ही जोर देना कभी एक सफल जो शिक्षक होता है उसका लक्ष्य नहीं होता, वो ओवरऑल डेवलपमेंट के लेकर बात की जाती है। तो आपका ऑप्शन तीसरा भी कट जाएगा। चौथे ऑप्शन में यदि आप देखिए तो एक वर्ड बहुत अच्छा लिखा है, छात्र जिज्ञासु बने। तो ये सबसे मेन प्रायोरिटी होती है बच्चे के अंदर जागृत करने के लिए, तो आपका ऑप्शन 4 ही जो है वो हर हाल में सही होगा। सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है।
प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? पहला ऑप्शन है शारीरिक दंड, पहले ही ऑप्शन काट दीजिए। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम हो सकता है, प्रतियोगितात्मक कक्षा ये भी हो सकता है, और निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन ये भी जो है वो हो सकता है। आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? अब बात करें उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम जो है वो आपका अधिगम जो प्रभावशाली विद्यालय है उसकी जो है एक कह सकते हैं प्रथा का ही उदाहरण है। इसमें होता क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक अलग तरीके से सीखता है। मेरी बात को आप समझिए, इसमें कहने का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसकी क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए वो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो एक अलग तरीके से सीखता है, और सीखने की जो शैली होती है वो एक अलग तरीके की होती है, इसीलिए लिखा है व्यक्ति के सापेक्ष जो है वो अधिगम होता है। आई होप आप समझे होंगे। ऑप्शन 2 जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 देखते हैं। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। चार ऑप्शन है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, या सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए उत्तर की, तो ये जो है वो विकास के जो सिद्धांत थे उसके अंतर्गत था आपका सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत। उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बताया था कि विकास का जो क्रम होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 12 प्रश्न कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। संवेदनशील पूछा है कि उस समय बच्चे को जो आपने सिखा दिया वो लाइफ टाइम के लिए कहीं ना कहीं हो जाएगा। अब देखिए वयस्क अवस्था यदि आप देखें तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है वो तो ऑलरेडी सब सीखा सिखाया होता है, तो ये तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। मध्य बचपन भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी बच्चा सीख चुका होता है। जन्म पूर्व की बात की जा रही है, तो जब जन्म ही नहीं लिया बच्चे ने तो भाषा कहाँ से सीख लेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन कट जाएगा। सही होगा प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन 3 जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 13 कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही जो है वो खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेजते हैं, सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण भी जो है वो देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो खुद ही जो है वो माता पिता खिलाड़ी हैं। अब आगे प्रश्न जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। प्रश्न को आपने समझा, अब ऑप्शन देखिए। पहला है वृद्धि और विकास, दूसरा है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, तीसरा है अनुशासन और पौष्टिकता, और चौथा है अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है माता पिता से लेकर बच्चों में और उनके अंदर जो खिलाड़ी वाला गुण है उसी को लेकर बात की जा रही है, तो अन्य ऑप्शन आपको देखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर अनुवांशिकता एक वर्ड काफी अच्छा लिखा है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अनुवांशिकता और पर्यावरण, लड़की की क्षमताएं अनुवांशिकता और जो पर्यावरण है उसी का जो है वो परिणाम होंगी। अगला प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। गौण किसको कहते हैं, सेकेंडरी को। दो लोग होते हैं, जैसे कि एक पर्सन को हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरे को जो है हम कम प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति है उसको हम कहते हैं गौण। तो कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है विद्यालय और पास पड़ोस, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, तीसरा ऑप्शन है परिवार और रिश्तेदार, चौथा ऑप्शन है परिवार और पास पड़ोस। तो आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करें उत्तर की, तो सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला। देखिए एक चीज यहां पर परिवार वर्ड आया है,
परिवार की बात करें तो समाजीकरण प्रारंभ ही आपका कहीं ना कहीं परिवार से ही होता है, तो आपके दो ऑप्शन ऐसे ही कट जाएंगे, बच्चे का पहला और दूसरा। तो इन दोनों में देखिए तो पास पड़ोस और निकटतम परिवार के सदस्य में अगर आप समाजीकरण के गौड़ वाहक की बात करें तो पास पड़ोस में एक बड़ा समुदाय आ जाता है, जबकि निकटतम परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें कुछ गिने चुने सदस्य ही आते हैं। तो सेकेंडरी में इस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन टू ही जो है वो सही होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर वन जो है वो दिया गया था, परंतु ऑप्शन टू ही जो है वो सही होना चाहिए, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ। प्रश्न है आपका, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो है वो क्या है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है मूल कारण जो है वो क्या है। तो डायरेक्ट हम बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर वन, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। लेव वाइगोस्की जो है इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल जो कारण है वो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है। इनका मानना था कि जो बालक है उसके संज्ञानात्मक विकास में समाज और सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम है। किसके किसके बीच? संज्ञानात्मक विकास में समाज और सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद एक महत्वपूर्ण आयाम होता है, और यही जो है वो बालक में ज्ञान का निर्माण भी जो है वो करता है। अगला प्रश्न 16 देखते हैं कि किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? प्रश्न है आपका, या कह सकते हैं लाइन आपकी लिखी है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आएगा ये आपको बताना है। पहला है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, दूसरा है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, तीसरा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन, और चौथा है दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर टू, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, यही जो है वो इसमें आता है। अगला देखते हैं 17, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए कौन सा इसमें से आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, यह आपका जीन पियाजे के अनुसार नहीं था, इसलिए आपका ऑप्शन पहला कट जाएगा। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ये भी आपका कहीं ना कहीं नहीं ही होगा। तीसरा है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, ये हो सकता है। शिक्षार्थी जो है उसके द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ये भी जो है आपका हो सकता है, यानी कि ऑप्शन तीन या चार में से आपका कोई भी हो सकता है। तो बात करें उत्तर की, कौन सा सही होगा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए जो है ये आवश्यक है। और खोजबीन की जाती है पर्यावरण की सक्रिय, ये जो है इन्होंने कह सकते हैं इस आधार पर बताया था कि ये सक्रिय खोजबीन के द्वारा जो है जो बालक होता है उसके सीखने के व्यवहार में भी वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि अनुभव के द्वारा जो है उसे प्राप्त होती हैं, इसलिए बालक कह सकते हैं हमेशा पर्यावरण के साथ ही जो है वो व्यवहार करता है और अनुभवों के द्वारा जो है वो चीज़ें सीखते हुए चलता है। तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन जो है आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप या स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन है, तो इसमें यहाँ पर उत्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर तीन जो है वो दे रखा था, परंतु आपका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर। काफ़ी उत्तर जो है इसमें गलत टाइप से भी दे रखे थे, समायोजन और अनुकूलन जो है आपका सही होगा। आप कह सकते हैं कि जो स्कीमा है उसके आधार पर वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित जो है वो होता है, तो समायोजन और अनुकूलन जो है आपका कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 19, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में
शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो किस टाइप का हो, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है या खोज को प्रोत्साहन देता है। आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि खोज को जो है वो प्रोत्साहन देता है। अगला प्रश्न 20 है, हार्वर्ड गार्डनर जो है उसका बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है। चार ऑप्शन है, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक, या बहुबुद्धि जो है उसको एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, और चौथा है हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां जो है वो विकसित हो सकें। तो कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। बात करें उत्तर की, तो सही उत्तर कौन सा होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें तो इसमें टोटल जो है वो 7 प्रतिभाएं जो है वो होती हैं, और ये प्रतिभाएं किसी भी व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक हो सकती हैं, और शिक्षक को चाहिए कि वो विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए ऐसे ही एक जो रूपरेखा है उसका जो है वो निर्माण करे। तो आपका ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 देखते हैं कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा आपको बताना है। बात करते हैं डायरेक्ट उत्तर की, सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए जो ज़्यादा बड़े प्रश्न होंगे उसमें डायरेक्ट हम आपको उत्तर बता देंगे। प्रश्न अगला 22 देखते हैं, लिंग जो है वो क्या है, शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता। तो बात करें उत्तर की, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सामाजिक संरचना। इसमें होता क्या है, इसमें समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण जो है वो किया जाता है, इसलिए आपका ये सामाजिक संरचना में आ जाता है। अगला प्रश्न 23 है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चे के या बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को जो है वो वरीयता देंगे। चार ऑप्शन है, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट। बात करें उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, सहयोगी जो प्रोजेक्ट है इसी विधि को जो है वो वरीयता देना आवश्यक इसमें होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 24, अपनी कक्षा की व्यक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चार ऑप्शन है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, दूसरा है बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें, ये महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है तो आपका ये जो ऑप्शन है वो सही होने के बहुत हद तक चांसेस जो है वो हो सकते हैं। अन्य ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, बिल्कुल नहीं आपका ऐसा होगा, ऑप्शन 3, और शिक्षण और आकलन के समान और मानक जो है वो तरीके हों, ये भी जो है आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 ही जो है आपका बिल्कुल सही होगा, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोणों को महत्व दें। अगला प्रश्न 25 है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, चार ऑप्शन है, इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो सके, दूसरा है यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, तीसरा है विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, और चौथा है इसमें विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो आकलन जो है वो उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इनमें से कौन सा होगा।
इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इतना लेंथी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सेट जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो प्लीज़ केवल और केवल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करते हैं उत्तर की। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि या फीडबैक जो है वो प्राप्त हो, आकलन जो है इसलिए उद्देश्यपूर्ण होता है। अगला प्रश्न 26 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका जो है इनमें से कौन सी होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अधिनायकीय की होती है, अनुमति परक की होती है, सुविधादाता की होती है या सत्तावादी। बात करते हैं उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सुविधादाता की होती है, ताकि बच्चे जो है वो इजी तरीके से सीख सकें और जो बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है उसको जो है जो शिक्षक है वो दूर कर सके। अगला प्रश्न 27 देखते हैं, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम जो है 4 ऑप्शन है उसका एकमात्र निर्धारक होती हैं, इसके साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए या इस पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। तो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। टोटल 30 प्रश्न है हमारे, 28 प्रश्न पर अभी हम पहुंचे हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना 4 ऑप्शन है जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है या विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा या शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है या एक काल्पनिक लक्ष्य है। तो बात करें उत्तर की, तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा जो है वो रखता है। अगला प्रश्न 29 देखते हैं, विविध प्रकार की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, ये कथन जो है वो किस टाइप का है ये आपको बताना है। ऑप्शन काफ़ी लेंदी है तो डायरेक्ट हम आपको उत्तर ही बता दें कि पहला ही आपका सही है। सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से उनके कौशल जो है वो सीखते हैं। और अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका 30। इस प्रश्न का उत्तर हम आपको नहीं देंगे, इस प्रश्न का आपका उत्तर कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए यही जो है वो प्रश्न है। उत्तर इसका हम कमेंट सेक्शन में ही जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। प्रश्न है आपका कि सुनने में असमर्थ बच्चा 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यवसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तीसरा ऑप्शन है, नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। और चौथा ऑप्शन है, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो आपको उत्तर में केवल ऑप्शन 1, 2, 3 या 4 जो है वो टाइप करके बताना है कि 30 का जो है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सभी लोग ट्राई अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में जो है वो ट्राई अवश्य करके बताएं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप सीटेट में जो है वो प्रश्नों को कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।